नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्मवर्त्मने। प्रिय बंधुओं, आप सभी का ज्योतिष धर्म चैनल में पुनः पुनः स्वागत है। आज हम गीता के अष्टम और नवम पुष्प का चिंतन मनन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपने सेना के वीरों का परिचय आचार्य से कराता है और कहता है कि देखो, आप हमारी सेना के वीरों को भी देखो। इसी क्रम में वह सप्तम, अष्टम और नवम श्लोक के अंदर अपनी सेना के वीरों का वर्णन कर रहा है। बोलता है आचार्य से, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिर् जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। वो कहता है, एक तो आप द्रोणाचार्य, फिर भीष्म पितामह, कर्ण और समितिन जय, समितिन संग्रामम जयतीति समितिन जयः, जो युद्ध में निश्चित विजय को प्राप्त कराते हैं ऐसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ती और जयद्रथ। यह विचार करने वाली बात है बंधुओं कि यद्यपि कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह हैं, किंतु यहां पर भी दुर्योधन अपने भय को छिपाने के लिए, आचार्य को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रति छद्म श्रद्धा दिखाने के लिए भीष्म पितामह से पूर्व उनका नाम लेता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। जबकि भीष्म पितामह सेना के सेनापति भी हैं, इस ब्याज से भी उनका नाम पूर्व में आना चाहिए था और वो ज्येष्ठ भी हैं। उसी प्रकार वो कर्ण का नाम लेता है कृपाचार्य से पहले, पूर्व तुरंत उसको ध्यान आता रहे, मैंने कर्ण का नाम पहले ले दिया, पूर्व में ले दिया, तो वह एक विशिष्ट विशेषण कृपाचार्य को देता है, समितिन जय, उनकी प्रसन्नता के लिए, कहीं नाराज ना हो जाए। सहज भाव दुर्योधन के अंदर नहीं है। अगर जीवन में आप सहज रहें, सरल रहें, तो जीवन के प्रत्येक कार्य को आप बड़े सरलता से कर सकते हो और उत्कृष्टता के साथ कर सकते हो और जीवन के प्रत्येक जगह पर आपको सफलता मिल सकती है। पर मानव अत्यंत चतुराई को दिखाने के कारण बार बार दुखी होता है। तो फिर आगे वो और सेनापतियों को गिना रहा है, अश्वत्थामा विकर्णश्च, यहां अश्वत्थामा को भी नाम पहले लेता है अपने भाई विकर्ण से, आचार्य को प्रसन्न करने के लिए। और सोमदत्त का जो पुत्र सोमदत्ती है, क्योंकि पिता की तरह ही वो अत्यंत वीर है। और उसके बाद जो काश नरेश हैं, उनका उल्लेख सिंधु नरेश हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने अपनी सेना के लगभग 8 परम वीरों का यहां उल्लेख किया नाम सहित। तो द्रोणाचार्य कहीं ये न कह दें कि देख, तेने ही 17 तो अतिरथी पांडवों के गिनाए थे, पांडवों को छोड़ करके अगर उनको भी उसमें जोड़ दिया जाए
तो 22 हो जाती है और तू मेरे सामने यहां 8 योद्धाओं पर लड़ रहा है। तो ये ना कह दें कि तेरी सेना थोड़ी छोटी है, कम है, तो वो आगे के बात को अपने को बढ़ाता है, कहता है कि महाराज अन्य बहव सूरा मदर थे त्यक्त जीविता, और भी मेरे पास बहुत वीर लोग हैं महाराज आचार्य पाद, जो मेधा से त्यक्त जीवित आप मेरे लिए अपने जीवन को भी नौक्षावर कर दें, समाप्त कर दें। नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे दिव्यास्त्र उनके पास हैं और जो युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। इसलिए आप ये मत समझ लेना कि पांडवों से कोई कम महारथी मेरे पास है, एक से एक बढ़कर के महारथी मेरे सम्मुख है, मेरे पास है, जो मदर से त्यक्त जीवना, मेरे कहने मात्र से ही तुरंत अपने प्राणों को मेरे लिए नौखावर कर दे। एक एक वीर इस प्रकार का है। इस प्रकार यह नवम पुष्प भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए मैं यह वाणी को विराम देता हूं। आप सभी इस गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे, इस आकांक्षा के साथ भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे।